चलिए आज की बात कुछ इस प्रकार स्टार्ट करते हैं कि जब महाभारत का युद्ध होने वाला था और अर्जुन और कृष्ण जो भगवान थे उनके बीच में चर्चा चल रही थी और जो अर्जुन थे बहुत ज़्यादा व्यथित थे इस बात को लेके कि क्या मुझे अपने भाइयों से युद्ध करना पड़ेगा, क्या मैं उनसे जीत पाऊँगा, क्या यह धर्म है या इसके विरुद्ध है। उसकी वजह से बहुत ज़्यादा वो व्यथित रहते थे और जब उन्होंने देखा श्री कृष्ण को तो सवाल किया कि हे माधव, आपके चेहरे में एक भी भय का निशान नहीं दिख रहा है, जबकि मैं इस चिंता से व्यथित हूँ कि मैं कल अपने भाइयों के समक्ष युद्ध करने जा रहा हूँ, तो मुझे क्या करना चाहिए। तो मुस्कुराते हुए माधव ने कहा कि हे पार्थ, तुम बस अपने कर्तव्य पर ध्यान दो, कर्म पर ध्यान दो, फल की चिंता मत करो। कल क्या होने वाला है ये कोई नहीं जानता है, भविष्य में क्या होगा ये कोई नहीं जानता है, बस आप अपने कर्तव्य पथ पर आगे बढ़ते रहो। तो दोस्तों, इसी प्रकार हमारी तैयारी भी होती है। जब हम तैयारी करना शुरू करते हैं तो हमें बहुत भय होता है कि क्या हम रिजल्ट सकारात्मक दिशा में पा पाएंगे कि नहीं पाएंगे। घर वालों को बहुत दबाव रहता है, आर्थिक स्थिति थोड़ा दयनीय हो जाती है और काफ़ी लंबी एक जर्नी के साथ तैयारी करने के साथ ऐसा प्रतीत होने लगता है कि क्या हमने जो निर्णय लिया था वो सही था कि नहीं। लेकिन आप यकीन मानो, जिस प्रकार से माधव ने आपके अर्जुन से कहा था कि अपने कर्तव्य पर भरोसा रखो, अपने भविष्य की चिंता मत करो, उसी प्रकार से हमारी तैयारी भी होती है। आप अपने तैयारी पर टिके रहिए और देखे गए एक दिन अंत में विजय आपकी होगी। नमस्कार दोस्तों, मैं आशीष मिश्रा आप सभी का विन IAS के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूँ। जैसा कि आप सभी को मालूम है, हमारी चर्चा मध्य प्रदेश की जनजातियों के संदर्भ में हो रही थी। हमने काफ़ी सारे प्रश्नों को इसके अंतर्गत चर्चा भी कर ली थी और PSC ने इसके पहले कौन कौन से प्रश्न पूछे हैं, किस प्रकार PSC के प्रश्न पूछने का पैटर्न होता है और नए सिलेबस पुराने सिलेबस से किस प्रकार भिन्न है और कौन कौन सी नई चीज़ों को यहाँ पर डाला गया है, इन समस्त बिंदुओं पर हमने चर्चा की थी। और आज जो हमारी चर्चा होने वाली है वो यूनिट 10 की आखिरी चर्चा होने वाली है। हम इस पे कुछ प्रश्नों को कवर करेंगे, हालांकि बाद में जब हम लाइव सेशन में इसके आएंगे तो आपसे काफ़ी सारे प्रश्नों को करवाएंगे, एक साथ 100-100 प्रश्न आपके समक्ष रखेंगे और जो यूनिट 10 के जितने प्रश्न बन सकते हैं उनको एक बार संपूर्ण रूप से चर्चा करेंगे। लेकिन आज जो ये हमारी सीरीज चल रही थी इसकी आखिरी चर्चा होने वाली है। आज हमारी जो चर्चा होगी वो होगी मध्य प्रदेश की लोक संस्कृति एवं लोक साहित्य। देखिए, अगर लोक संस्कृति एवं लोक साहित्य की बात की जाए तो आपके मन में क्या आएगा। सबसे पहले तो आपको जानना पड़ेगा कि लोक संस्कृति होती क्या है। लोक मतलब कि आम लोगों के मध्य, संस्कृत जो प्रचलित है, जो पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही है। अब ये संस्कृत कौन कौन सी हो सकती है, कौन कौन से ऐसे तत्व हो सकते हैं जो पीढ़ी दर पीढ़ी आज हमारे समक्ष दिखाई देते हैं। तो अगर लोक संस्कृत की बात करें, लोक संस्कृत, तो आप इसमें विभिन्न पहलुओं को शामिल कर सकते हैं। अब कौन कौन से पहलू हो सकते हैं, या तो कुछ नाटकीय मंचन हो सकता है, या कोई संगीत हो सकता है, या कोई नृत्य शैली हो सकती है, या कोई चित्रकला हो सकती है, या कोई शिल्पकला हो सकती है, यहाँ तक कि जो त्यौहार प्राचीन काल से चले आ रहे हैं वो भी हो सकते हैं। तो कई सारे पहलू इसके अंतर्गत आते हैं और देखिए, ये कोई नया टॉपिक नहीं है, क्योंकि आप जब मध्य प्रदेश की कला संस्कृति आप पढ़ोगे जो प्री के सिलेबस में ही दिया गया है, उसमें भी आपको इस चीज़ का पढ़ने के लिए लिखा गया है। उसमें लिखा हुआ है कि मध्य प्रदेश के प्रमुख लोक गायन, लोक कलाएं, लोक नाट्य और लोक चित्रकला। और मेंस के परीक्षा में भी आपने देखा होगा कि मेंस में भी सिलेबस में इस चीज़ को डाला गया है। तो कोई नया सब्जेक्ट नहीं है, बस इसके आधार पे कौन से प्रश्न अभी तक PSC ने पूछा है और किस किस प्रकार प्रश्न आगे बन सकते हैं, उन समस्त बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। तो कौन कौन से तत्व हो जाएंगे हम देखेंगे इसमें, लोक शिल्पकला, लोक चित्रकला, लोक नाट्य, लोक नृत्य, लोक पर्व या त्यौहार, साथ ही हम देखेंगे जो लोक साहित्य हैं। जैसे आपने नाम सुना होगा विभिन्न साहित्यकारों का जो स्थानीय स्तर पर बहुत फेमस हुए थे, आपने बुंदेली साहित्यकार का नाम सुना होगा जिसमें ईश्वरी का नाम आता है, जिसमें जगनिक का नाम आता है। इसी प्रकार निमाड़ के एक बहुत प्रसिद्ध साहित्यकार हुए हैं संत सिंगा जी,
फिर उसके अतिरिक्त घाघ का नाम सुना होगा। तो ऐसे एक बहुत प्रमुख लोक साहित्यकार भी हुए हैं जिन्होंने अपने स्थानीय स्तर पर स्थानीय भाषाओं में अपने ग्रंथों को लिखकर एक विशेष पहचान प्रदान की है। तो उनके संबंध में कौन कौन सी कथाएं प्रचलित हैं, उनमें कौन कौन सी गाथाएं हैं, उन समस्त बिंदुओं पर कौन कौन से प्रश्न बन सकते हैं, यही चर्चा हमारी चलने वाली है। अब जैसे लोक शिल्प कला में आपने देखा होगा प्रस्तर शिल्प क्या होती है, धातु शिल्प क्या हो सकती है, आपका जो प्रिंटिंग के लिए जो चित्रकला संबंधित एक शिल्प होती है, जो कपड़ों में रंगाई के लिए होते हैं छीपा शिल्प जिसको बोलते हैं, छीपा शिल्प ये क्या होती है, इन्हीं संबंध में प्रश्न पूछे जाएंगे। अब ये लोक संस्कृत आज के दौर पे काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाती है। अगर इसको किसी सामान्य समाज से जोड़ के देखें तो आज ये जो संस्कृत है इसमें व्यक्ति को एक विशेष पहचान दी है, साथ ही उनके आय का एक साधन भी सिद्ध हुई है। PSC चूँकि इस चीज़ को बहुत बढ़ावा दे रहा है और जो मध्य प्रदेश सरकार है इस चीज़ को बहुत बढ़ावा दे रही है। जैसे आपने नाम सुना होगा मृगनयनी एम्पोरियम, मृगनयनी एम्पोरियम का नाम सुना होगा, जिसके माध्यम से जो लोक शिल्प कलाएँ होती हैं, जो हस्तशिल्प उद्योग होते हैं, उनको बढ़ावा देने के लिए संगठन स्थापित किए गए, संस्थाएं स्थापित की गई हैं। साथ ही आपने यूनिटी मॉल का नाम सुना होगा, मध्य प्रदेश में इसको प्रारंभ किया गया है, जिसमें जो स्थानीय उत्पाद है उनको क्या की जाएगी, एक विशेष पहचान दी जाएगी। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट का नाम सुना होगा, GI टैग का नाम सुना होगा। तो कहीं ना कहीं किससे संबंध रखती हैं, इन समस्त पहलुओं से संबंध रखती हैं। चलिए तो अपने प्रश्न पे आते हैं, और आज हमारा जो पहला प्रश्न है उसमें है कि मध्य प्रदेश में रावण की पूजा कहाँ की जाती है। हमारे ऑप्शन है सागर जिले का ढाना गांव, शाजापुर जिले का भातखेड़ी गांव, जबलपुर का सिहोरा, या डी उपयुक्त में से कोई नहीं। देखिए ये प्रश्न PSC ऑलरेडी पूछ चुका है, PSC में आया हुआ प्रश्न है, आपको बताना है कि मध्य प्रदेश में रावण की पूजा कहाँ होती है। जल्दी से जवाब दीजिए, कमेंट कीजिए जल्दी से। तो इसका सही जवाब होगा शाजापुर जिले के भातखेड़ी गांव। आप सभी को मालूम है कि जो रावण की पत्नी थी उनका संबंध कहाँ से माना जाता है, मंदसौर से। तो अब तीन जगह मध्य प्रदेश में रावण की पूजा होती है, एक स्थान कौन सा है, रावण रुंदी गांव मंदसौर, ये कहाँ है मंदसौर, दूसरा भातखेड़ी शाजापुर, और तीसरा आपका रावण गांव विदिशा में। तो ये तीन स्थान है जो रावण की पूजा के लिए जाना जाता है। और आपने एक जनजाति का नाम सुना होगा कोरकू जनजाति कोरकू जनजात भी रावण की पूजा को प्राथमिकता देते हैं। ये लोग मेघनाथ स्तंभ स्थापित करते हैं, आपने सुना होगा जब मैंने इसके बारे में चर्चा की थी तो आपको बताया था कि कोरकू जनजाति गांव के बाहर मेघनाथ स्तंभ लगाते हैं और रावण को अपना पूर्वज भी मानते हैं ये लोग। तो ऐसी चर्चा हमने इसके विषय में की थी। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, शाजापुर जिले का भातखेड़ी गाँव। बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न हो जाता है क्योंकि PSC इसके पहले प्रश्न पूछ चुकी है। अगले प्रश्न पर आते हैं, हमारा अगला प्रश्न है इनमें से कौन सी मध्य प्रदेश की बोली नहीं है। हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए भोजपुरी, ऑप्शन बी ब्रजभाषा, ऑप्शन सी मालवी, ऑप्शन डी निमाड़ी। तो बड़े ही आसान सवाल है, इसका सही जवाब होगा भोजपुरी। आपने भोजपुरी तो गाने बहुत सुने होंगे, काफ़ी सारे लोगों ने सुने होंगे, है ना, जिया हो बिहार के लाला, जिया तू हजार साला, तो ऐसे गाने सुने होंगे। तो ये सब भोजपुरी भाषा से संबंधित है। और ये भोजपुरी कहाँ पर मैथिली भाषा का अपभ्रंश है, जो कहाँ पर दिखाई देता है आपका, बिहार में, बिहार प्लस जो पूर्वी उत्तर प्रदेश है इसको पूर्वांचल भी बोलते हैं, पूर्वांचल में और बिहार में भोजपुरी भाषा का इस्तेमाल किया जाता है। और बड़ी ही मानवीय भाषा है, बड़ी ही अट्रैक्टिव भाषा है, जो बहुत ही अपनेपन का बोध कराती है। ब्रजभाषा हमारे मध्य प्रदेश में जो मध्य भारत का क्षेत्र है, हमारा जो ग्वालियर मुरैना और भिंड वाला क्षेत्र है, वहाँ पर ब्रज भाषा सुनने को मिलती है। मालवी की अगर बात करें तो मालवी जो इंदौर उज्जैन देवास रतलाम झाबुआ इधर बोली जाती है, और मालवी की अगर बात करें तो ये राजस्थानी सौरसैनी अपभ्रंश से निर्मित हुई है, राजस्थानी सौरसैनी अपभ्रंश। निमाड़ी की बात करें
तो निमाड़ी आपके निमाड़ अंचल में खंडवा खरगोन में बोली जाती है, खंडवा खरगोन। और निमाड़ी में एक साहित्यकार हुए हैं संत सिंगा जी, बहुत फेमस साहित्यकार हुए हैं सिंगा जी, जिनकी प्रसिद्ध रचना है परचूरी, जिनका संकलन है, इनके शिष्य थे खेमदास, उनका संकलन है परचूरी, जिसमें इनकी पूरी रचनाओं की जानकारी मिलती है। किसकी? संत सिंगा जी के बारे में। इसके अतिरिक्त आप लोग देख लीजिएगा कि ब्रजभाषा संबंधित जो शब्दकोश है उसमें उसको किसने लिखा, मालवी का शब्दकोश किसने लिखा और निमाड़ी का शब्दकोश किसने लिखा, तो ये सब चीज़ें आप लोग देख लीजिएगा। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में निम्नलिखित में से कौन सी बोली नहीं बोली जाती है? हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए मालवी, ऑप्शन बी पंचमहली, ऑप्शन सी गोंडी या ऑप्शन डी कोली। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी कोली, क्योंकि कोली जैसी कोई भाषा होती नहीं। हमारे यहाँ होता है कौन, कोल जनजाति पाई जाती है, कोल जनजाति। और कोल जनजाति के बारे में आपने क्या सुना है, इनका मूल निवास कहाँ माना जाता है, मूल स्थान बर्दी राजा, क्षेत्र रीवा माना जाता है। इनके निवास स्थान को आपने सुना होगा क्या कहा जाता है, कोलिन टोला। और जो बहुत ज़्यादा जहाँ पर इनकी जनसंख्या पाई जाती है उसको कोलियान कहते हैं। तो कोल जनजाति के बारे में कुछ बात थी। कोल जनजाति का प्रसिद्ध नृत्य क्या होता है, कोल दहका। इसके अतिरिक्त केहरा नृत्य भी ये लोग करते हैं। अगर मालवी की बात की जाए तो मालवी के विषय में आपसे मैंने बात कर ही ली है। इसकी जो उप बोलियाँ होती हैं, जैसे आपने दशोरी का नाम सुना होगा, दशहरी का नाम सुना होगा, तो ये सब मालवी के उप बोलियाँ हैं। पंचमहली जो भाषा है ये ग्वालियर में बोली जाती है, ये ब्रज भाषा के अंतर्गत भी ही आती है, ग्वालियर में बोली जाती है पंचमहली। और गोंडी की अगर बात करें तो छिंदवाड़ा सिवनी मंडला डिंडोरी वाला जो क्षेत्र है वहाँ पर गोंडी भाषा बोली जाती है। गोंडी में बुंदेली अपभ्रंश देखने को मिलता है, बुंदेली अपभ्रंश देखने को मिलता है। ये कुछ बात हो गई किस पे, प्रश्न क्रमांक 3 पे। अगले प्रश्न पे आते हैं, किस जिले में बघेली भाषा बोली नहीं जाती है? हमारे ऑप्शन है रीवा, टीकमगढ़, सतना या सीधी। तो इसका सही जवाब होगा आपका टीकमगढ़, क्योंकि आपको पता है रीवा सतना सीधी शहडोल में कौन सी भाषा बोली जाती है, बघेली भाषा बोली जाती है। साथ ही कटनी वाले कुछ क्षेत्रों में भी बघेली भाषा सुनने को मिलती है। बघेली की अगर बात करें तो इनके शब्दकोश का संकलन करता कौन है, श्रीनिवास शुक्ल, श्रीनिवास शुक्ल। इनको याद करना आसान है क्योंकि श्रीनिवास तिवारी का नाम आपने सुना होगा, तो वो कहाँ से बिलोंग करते थे, रीवा से बिलोंग करते थे, और वैसा ही नाम है श्रीनिवास शुक्ल जो बघेली शब्दकोश के संकलन करते हैं, शब्दकोश। इसके अतिरिक्त वेंकट रमण का नाम सुना होगा आपने, जिन्होंने वेंकट भवन बनाया था, रीवा के प्रसिद्ध राजा हुए हैं, गुलाब सिंह हुए, उन्होंने भी बघेली भाषा में कई सारे अपने साहित्यों की रचना की है। अब इनकी अगर उप बोलियों की बात की जाए बघेली की, तो आपको याद होगा कि बघेलखंड जब प्रारंभिक स्तर पर स्थापित हुआ था तो उसकी प्रारंभिक राजधानी क्या थी, गहोरा। तो इनकी एक उप बोली है क्या, गहोरा। एक उप बोली है तिरहारी, इसको तरहार भी कहा जाता है। क्या हुआ है कि जो विंध्यन कगारी क्षेत्र है, रीवा पन्ना का पठार है, उसमें जो कगारी क्षेत्र है उसके आधार पर रीवा दो भागों में बट जाता है, एक ऊंचा भाग हो जाता है, एक नीचा भाग हो जाता है। तो नीचे वाले पूरे भाग को तरहार कहा जाता है। तो वहाँ पर जो बोली बघेली में बोली जाती है वो तिरहारी कहलाती है, गहोरा जो ऊपरी स्तर पर बोली जाती है। अगला प्रश्न है, काठी है, काठी है, हमारे ऑप्शन है जाति, जनजात, कास्ट, शिल्प या लोक नृत्य। काठी, तो काठी क्या है, एक लोक नृत्य है। कहाँ पर होता है ये, तो ये निमाड़ी में, निमाड़ में जो निमाड़ अंचल है वहाँ पर काठी नृत्य मुख्य रूप से होता है। और काठी जो नृत्य होता है वो काठी माता की याद में किया जाता है, काठी माता मतलब कि पार्वती देवी के, पार्वती माता की उपासना के साथ ये नृत्य किया जाता है। और कहाँ पर किया जाता है, निमाड़ अंचल में। अगले प्रश्न पे आते हैं, हीर गायन की प्रथा किस क्षेत्र में है? हमारे ऑप्शन है बुंदेलखंड, बघेलखंड,
मालवा या निमाड़। तो इसका सही जवाब हो जाएगा मालवा। देखिए हीड़ गायन की खास बात क्या है कि मुख्य रूप से कृषि कार्य जब होता है तब किया जाता है और मालवा में किया जाता है। साथ ही ग्यारस माता की पूजा होती है। ग्यारस माता की पूजा के साथ ये नृत्य, ये जो गायन होता है किया जाता है। कहाँ पर किया जाता है? मालवा के अंतर्गत। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन ढोकरा कला के लिए सही नहीं है? यह कला बैतूल के भरेवा आदिवासी समुदाय से संबंधित है। यह एक अलौह धातु ढलाई शिल्प है। यह विवाह समारोह से जुड़ी एक सजावटी कपड़ा कला है। यह डी सभी कथन सही हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। देखिए जो ढोकरा कला है इसके संबंध में ये पूछा है कि कौन सा कथन सही नहीं है। तो ये बिल्कुल सही बात है कि बैतूल के भरेवा आदिवासी इससे संबंध रखती है और इसमें अलौह धातु से ढलाई की जाती है। अभी अलौह धातु क्या क्या होते हैं? जैसे मोम हो गया, तो मुख्य रूप से मोम का प्रयोग किया जाता है कला को प्रदर्शित करने के लिए और कपड़ों पे होती है, लेकिन विवाह समारोह के टाइम पे इसका आयोजन नहीं किया जाता, इस कला का प्रदर्शन नहीं किया जाता है। अगला प्रश्न है, कौन सा लोक नृत्य मध्य प्रदेश का नहीं है? हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए कर्मा, ऑप्शन बी बीहू, ऑप्शन सी भगोरिया या ऑप्शन डी राई। तो आप इसमें आसानी समझ पा रहे होंगे कि इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, बीहू होगा। अब ये प्रश्न पीएससी पूछ चुका है इसलिए आपको बहुत आसान लग रहा होगा। हो सकता है अभी नए पैटर्न में कुछ और पास पास के उदाहरण दे दे, है ना, जैसे गौर नृत्य लिख दे कि जो मध्य प्रदेश में होता है कि नहीं होता है, या फिर जो छत्तीसगढ़ में कुछ नृत्य होते हैं, यूपी में कुछ नृत्य होते हैं, तो ऐसे नृत्यों को लिख सकता है फंसाने के लिए। बीहू जो है थोड़ी दूर की बात हो गई, ये कहाँ होता है? असम में होता है और एक बीहू उत्सव होता है, बीहू उत्सव जो बसंत ऋतु के टाइम पे होता है, बीहू उत्सव के दौरान ही असम में बीहू नृत्य किया जाता है। स्त्रियां और पुरुष अलग अलग पोशाक में एक इकट्ठा होकर इस नृत्य को करते हैं। कर्मा के बारे में आपको पता ही है, कर्मा गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल पहला नृत्य है भारत का। भगोरिया नृत्य के बारे में आपको पता है कि भील जनजाति द्वारा किया जाता है और राई मध्य प्रदेश का राजकीय नृत्य है। घोटुल प्रथा क्या है? घोटुल प्रथा क्या है? हमारे ऑप्शन है, संयुक्त आवास जिसमें लड़के लड़कियां एक साथ रहते हैं, जन्म से संबंधित रस्म है, सामूहिक नृत्य है या डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आपको पता है घोटुल प्रथा क्या है? एक घोटुल क्या होते हैं? तो युवा गृह होते हैं। युवा गृह कौन से जनजाति से संबंधित होते हैं? तो गोंड और मुड़िया। अब जब युवा गृह हैं तो इसमें मुख्य रूप से क्या किया जाएगा कि विवाह पूर्व लड़के लड़कियां क्या करते हैं? एक साथ रहते हैं। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा सही जवाब? सही जवाब क्या होगा? संयुक्त आवास जिसमें लड़के लड़कियां एक साथ रहते हैं। अगले प्रश्न पे आते हैं, पद्मश्री से सम्मानित भूरी बाई किस लिए प्रसिद्ध हैं? हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए चित्रकारी, ऑप्शन बी संगीत, ऑप्शन सी नृत्य, ऑप्शन डी लेखन। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए चित्र कारी। आपको पता है कि इन्हें 2021 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था, पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। 1986 में इन्हें शिखर सम्मान से सम्मानित किया गया था, शिखर सम्मान। और संस्कृत जो विभाग है, संस्कृत विभाग की ये ब्रांड एम्बेसडर है, संस्कृत विभाग के ब्रांड एम्बेसडर इनको बनाया गया है। तो भूरी भाई के बारे में हमने इतनी सारी चीज जान ली। अब इनका संबंध कहाँ से है? तो झाबुआ से संबंध है, झाबुआ जिले से इनका संबंध माना जाता है। अब अगला प्रश्न है, सही जोड़े बनाइए और नीचे दिए गए कोट से सही उत्तर पहचानिए। इसमें विभिन्न कला हैं जो विभिन्न क्षेत्रों से बिलोंग करते हैं, आपको बताना है कौन सी कला का संबंध कौन से जिले से है। जैसे पहला ऑप्शन है जरी के बटुए, आपको बताना है जरी के बटुए कहाँ देखने को मिलते हैं, कहाँ पर ऐसे चीज़ें बनाई जाती हैं। अब जरी क्या होती है? जरी एक कला होती है जो मुख्य रूप से कपड़ों
कैसे कपड़ों पे? जो लेदर के कपड़े होते हैं, चमड़े के जो कपड़े होते हैं उन पे ये कला निखारी जाती है। इसके बटुए बनते हैं, पर्स बनते हैं। तो जरी के बटुए कहाँ पर देखने को मिलते हैं? भोपाल में। तो पहले का 3 हो जाएगा। भैरवगढ़ के प्रिंट कहाँ पर हैं? तो भैरवगढ़ के प्रिंट आपके हैं उज्जैन में, और इसी को बोला जाता है क्या? बाटिक प्रिंट। और इसको किस में शामिल कर लिया गया है? GI टैग, GI टैग में इसको शामिल कर लिया है। बाघ की हस्तशिल्प कला किस कहाँ पर देखने को मिलती है? धार में। इसमें आपने सुलेमान खत्री का नाम सुना होगा, जिन्हें अभी हाल ही में एक पुरस्कार प्रदान किया गया, बहुत फेमस पुरस्कार है, जो शिल्प कला शिल्प गुरु के नाम से मशहूर है, तो वो प्रदान किया गया है। तो बाघ की हस्तशिल्प कहाँ पर है? धार में। और चंदेरी की साड़ियाँ कहाँ पर देखने को मिलती हैं? अशोकनगर में। अब इसको मैच कर लेते हैं, पहले का 3 हो जाएगा, दूसरे का 1, तीसरे का 2 और चौथे का 4। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा उत्तर ऑप्शन ए। चंदेरी की साड़ियों का आपको पता है कि मध्य प्रदेश में सबसे पहले जिसको GI टैग मिला था 2005-06 में, वो कौन सी थी? चंदेरी की साड़ी। इसको GI टैग सबसे पहले प्रदान किया गया था। चलिए आगे बताइए। बधाई है बुंदेलखंड का लोक नृत्य, मालवा का लोक नृत्य, दिवाली के दूसरे दिन भोपाल में मनाया जाने वाला त्यौहार, या डी बुंदेलखंड का लोक संगीत? बधाई। तो बधाई क्या है? बुंदेलखंड का लोक नृत्य। बधाई हमेशा शुभ अवसरों पर किया जाता है, चाहे वो जन्म का अवसर हो, विवाह का अवसर हो, या फिर कोई मन्नत पूरी हो जाती है उसके दौरान यह नृत्य किया जाता है, और स्त्री पुरुष साथ में इस नृत्य को करते हैं। स्त्री पुरुष दोनों मिलकर इस नृत्य को करते हैं। और अगर बात की जाए कि बुंदेलखंड के और कौन से नृत्य हैं, तो राई, बधाई, ढिमराई, कानड़ा, सहरा, ऐसे कई सारे लोक नृत्य कहाँ पर प्रसिद्ध हैं? आपके बुंदेलखंड अंचल में देखने को मिलते हैं। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा लोक गायन गद्य और पद्य दोनों शैली में गाया जाता है? हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए बरसाती वार्ता, ऑप्शन बी देवारी गायन, ऑप्शन सी गरबा गरबी, ऑप्शन डी बिरहा गायन। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए बरसाती वार्ता, जो मुख्य रूप से मालवा में गाया जाता है। मालवा में इस गीत को गाया जाता है, और मुख्य रूप से जब वर्षा ऋतु होती है, वर्षा ऋतु, उस दौरान गाया जाता है। गद्य एवं पद्य शैली पे, अर्थात चंपू शैली पे गाया जाता है, चंपू शैली पे गाया जाता है। गरबा गरबी आपके निमाड़ अंचल में देखने को मिलता है, देवारी गायन बघेलखंड में देखने को मिलता है, और बिरहा गायन भी आपको बघेलखंड में देखने को मिलेगा। बिरहा गायन की एक खासियत होती है कि स्त्री पुरुष संवाद शैली पे इसका गायन करते हैं, विवाह के अवसर पे, संवाद शैली पर, जो बिरहा के गीत पर आधारित होते हैं। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है, कलगी तुर्रा लोक गायन मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र में गाया जाता है? हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए बुंदेलखंड, ऑप्शन बी बघेलखंड, ऑप्शन सी निमाड़ी, या डी इनमें से कोई नहीं। देखिए, PSC ने ऐसा प्रश्न 2021 में पूछा था कि कलगीतुर्रा नाट्य पूछा था उसने, कलगीतुर्रा लोक नाट्य कहाँ पर मनाया जाता है, और उसने सभी ऑप्शन को सही मान लिया था, बुंदेलखंड, बघेलखंड, निमाड़, सभी को सही मान लिया था। मालवा, बुंदेलखंड और निमाड़, 3 ऑप्शनों को उसने सही माना था। लेकिन यहाँ पर हो रही है लोक गायन की बात, लोक गायन। तो लोक गायन कहाँ पर होता है? मुख्य रूप से निमाड़ क्षेत्र में होता है, और निमाड़ी क्षेत्र में होने के कारण कलगीतुर्रा की अगर बात करें तो भगवान शिव और पार्वती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है, गाया जाता है, जो मंच के रूप में संवाद शैली में। अभी कलगी और तुर्रा दो अखाड़े होते हैं, दो पक्ष होते हैं, जिनमें आपस में पूरी रात प्रतिस्पर्धा चलती है। कैसी प्रतिस्पर्धा? गायन प्रतिस्पर्धा चलती है। कहाँ पर देखने को मिलता है? निमाड़ में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा लोक गायन मालवा क्षेत्र से संबंधित नहीं है? हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए भरथरी, ऑप्शन बी संजा गीत, ऑप्शन सी भीड़ गायन, या ऑप्शन डी आल्हा उदल गायन। तो इसमें आपने गेस कर ही लिया होगा, इसका सही जवाब क्या होगा? आल्हा उदल गायन। आल्हा उदल गायन कहाँ पर देखने को मिलता है? बुंदेलखंड में।
और इसमें जगनिक की जो रचना है, जगनिक की रचना आहला खंड है, जिसमें 52 लड़ाइयों का जिक्र मिलता है, 52 लड़ाइयों का, और सबसे बड़ा ग्रंथ माना जाता है लड़ाइयों के हिसाब से कौन सा, आहला खंड। तो उन्हीं के दोहे का प्रयोग करके गीत गाया जाता है। कहाँ पर गाया जाता है, बुंदेलखंड में। भरतरी, संजा गीत, हीड़ गायन, तीनों ये मालवा अंचल के गीत हैं, मालवा के गीत। भरतरी गायन सुबह सुबह मालवा में होता है, संजा गीत संजा का जो पर्व होता है इसमें किशोरियों के द्वारा गाया जाता है, हीड़ गायन आपका जो कृषि कार्य होता है ग्यारस माता की पूजा के दौरान गाया जाता है। अगला है, निम्नलिखित में से किस लोकगीत में राधा कृष्ण के प्रेम प्रसंग में आधारित होती है। हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए बिरहा गायन, ऑप्शन बी बसुदेवा, ऑप्शन सी देवारी गायन, या ऑप्शन डी बैराइट गायन। जल्दी से बता दीजिए, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी देवारी गायन। देवारी गायन में मुख्य रूप से राधा कृष्ण की कथाओं का गायन किया जाता है। जो ग्वाले होते हैं, ग्वाले जाति के लोग होते हैं, उनके द्वारा ये गायन किया जाता है। और कहाँ पर होता है ये देवारी गायन, बघेलखंड में, बघेलखंड में ये गायन किया जाता है। बिरहा गायन की अगर बात करें तो ये भी बघेलखंड में होने वाला गायन है। बसदेवा की अगर बात करें तो ये भी बघेलखंड में हरबोले जाति के द्वारा किया जाता है। बैराइट गायन की अगर बात करें तो इसमें महाभारत की कथाओं का उल्लेख होता है, महाभारत की कथाओं का उल्लेख होता है, और ये बुंदेलखंड में होता है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा देवारी गायन। अगले प्रश्न पे आते हैं, फाग गीत किस क्षेत्र में प्रचलित है, फाग गीत किस क्षेत्र में प्रचलित है। हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए बुंदेलखंड, ऑप्शन बी निमाड़, ऑप्शन सी बघेलखंड, या ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। फाग की अगर बात करें तो ये मुख्य रूप से पुरुष के माध्यम से गाया जाता है, केवल पुरुष इसका गायन करते हैं। इसमें नगाड़ों का, डफली का इत्यादि का प्रयोग होता है, डाफ का, डाफ नगाड़ा जैसे वाद्य यंत्रों का प्रयोग होता है। और अगर ऐसा प्रश्न पूछ लिया जाए कि फाग गीत का मूल स्थान कहाँ से माना जाता है, मूल जो स्थान है किस क्षेत्र से संबंधित है, तब आप बुंदेलखंड लिख सकते थे। लेकिन अभी पूछा है कि किस क्षेत्र में प्रचलित है, तो ये जो तीनों ऑप्शन है तीनों सही होगा। हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, उपरोक्त सही। चलिए, फाग गीत से संबंधित एक व्यक्तित्व तो हैं, एक साहित्यकार हैं, ईश्वरी का नाम आपने सुना होगा, ईश्वरी। और इन्होंने ही फाग गायन की परंपरा को बुंदेलखंड से प्रारंभ करवा के आज बृहद स्तर पर होली के दौरान, अभी होली देखिए होने भी वाली है, तो होली के दौरान फाग गायन किया जाता है पुरुषों के माध्यम से इकट्ठा होकर। पहले धीरे धीरे लय बनाई जाती है और फिर अत्यंत तीव्र स्वर पर इसका गायन किया जाता है। और वो फाग ज़्यादा अच्छा माना जाता है जो जितना ऊंचा जाएगा, जिसका स्वर जितना ऊंचा होगा वो फाग उतना अच्छा माना जाता है। अगला है, निम्नलिखित में से किस लोकगीत में महाभारत की कथाएं गाई जाती हैं। हमारे ऑप्शन है जगदेव गायन, ऑप्शन बी देवारी गायन, ऑप्शन सी बैराइट गायन, या ऑप्शन डी बसदेवा गायन। तो इसका सही जवाब हो जाएगा क्या, बैराइट गायन। बैराइट गायन में आपके बुंदेलखंड में होने वाली प्रमुख लोकगीत है, जिस पे महाभारत की कथाओं का उल्लेख मिलता है। बसुदेवा गायन में भी महाभारत की कथाओं का उल्लेख मिलता है, लेकिन केवल कर्ण की कथाओं का उल्लेख मिलता है, कर्ण की कथा बसुदेवा गायन में। कौन सी जाति के लोग, हरबोले जाति के लोग मनाते हैं, हरबोले जाति के लोग इस गायन को करते हैं। और कर्ण की कथा का, श्रवण की कथा का, और रामायण की कथा का उल्लेख इसमें मिलता है, किसमें, बसुदेवा में। देवारी गायन मैंने बता दिया है, ग्वालो जाति द्वारा गाया जाता है, और राम कृष्ण भगवान की और राधा के प्रेम प्रसंग की इस पे चर्चा मिलती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक बुंदेलखंडी लोकगीत है। हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए पंडवानी, ऑप्शन बी बांस गीत, ऑप्शन सी बरसाती वार्ता, या ऑप्शन डी जगदेव का पुआरा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी जगदेव का पुआरा।
जगदेव की पुआरा की अगर बात किया जाए तो ये चैत्र माह पे होने वाला प्रमुख लोकगीत है जो बुंदेलखंड में होता है, इसका आयोजन किया जाता है। बाकी जिनकी तीनों जो हैं ये मुख्य रूप से कहाँ पर होते हैं, आपके बघेलखंड में, बघेलखंड में। बरसाती वार्ता जो दो गीत होते हैं ये बघेलखंड में होते हैं, और बरसाती वार्ता कहाँ पर मिलता है, मालवा में, बरसात के दौरान किशोरियों के द्वारा गाया जाता है। और पंडवानी गायन में आपने एक नाम सुना होगा, तीजन बाई, तीजन बाई, जिन्हें 1988 में पद्मश्री प्रदान किया गया था और 1996 में इन्हें मध्य प्रदेश का जो सम्मान है अहिल्याबाई सम्मान, वो प्रदान किया गया था। अगले प्रश्न पे आते हैं, हरदौल की मनौती लोकगीत किस क्षेत्र में प्रचलित है? हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन है बुंदेलखंड, ऑप्शन बी बघेलखंड, ऑप्शन सी मालवा, या ऑप्शन डी ए और बी दोनों। हरदौल की मनौती, हरदौल जो व्यक्ति हैं वो आपके ओरछा के शासकों से संबंध रखते हैं, जुझार सिंह के ये भाई थे और वीर सिंह के पुत्र थे, वीर सिंह के छोटे पुत्र थे और जुझार सिंह के भाई थे। ऐसा माना जाता है, ऐसे किंवदंती प्रचलित है कि जब जुझार सिंह बाहर चले गए थे और इन्हें पूरा राज काज संभालने को ले दिया गया था, तो कुछ अनबन हो जाने के कारण इनको जहर दे दिया जाता है और इनकी ये जहर का सेवन स्वयं कर लेते हैं। लेकिन ये इतने फेमस होते हैं, इनकी इतनी बड़ी उपलब्धि होती है कि बाद में इनको भगवान के तौर पर पूजा जाने लगता है। क्यों? क्योंकि बीच में एक घर होता है बुंदेलखंड में जहाँ पर भंडारे का आयोजन किया जाता है, तो वहाँ पर खाना कम पड़ जाता है, तो ऐसे ही व्यक्ति विचार करते हैं जिनके यहाँ ये व्यवस्था थी, तो उन्होंने याद किया हरदौल को कि वो होते जब वो राजा थे तो इस प्रकार की चीज़ें नहीं देखने को मिलती थी, तो वो क्या बोले कि उन्हीं को आमंत्रित कर दिए। तो मन में बस आमंत्रित किया और पूरी तरह से जो भंडारा था, जो भोज था, वो पूरी तरह से सफल हो गया, किसी प्रकार की कमी नहीं हुई। तो आगे चल के ऐसी मान्यता हो गई कि इनको जितने भी निमंत्रण होते हैं बुंदेलखंड में उनमें सबसे पहले निमंत्रण किसका दिया जाता है, हरदौल को। तो उनको उनकी मनौती है, उन्हीं के संबंध में कुछ गीत गाए जाते हैं जिनको बोला जाता है हरदौल की मनौती। तो पहले बुंदेलखंड में ही गाए जाते थे लेकिन बाद में बघेलखंड में भी इनका प्रसार हो गया, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ए और बी दोनों, ए और बी दोनों। वीर सिंह के ये पुत्र थे, वीर सिंह के पुत्र। अगले प्रश्न पे आते हैं, बघेलखंड में प्रचलित लोकगीत बसदेवा किस जाति द्वारा गाया जाता है? हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए मोरध्वज, ऑप्शन बी हरबोले, ऑप्शन सी मुड़िया, या ऑप्शन डी भील। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी हरबोले जाति के लोग। हरबोले जाति के लोग विभिन्न शुभ अवसरों पर बसदेवा गायन करते हैं और इस बसदेवा गायन के अंतर्गत कर्ण की कथा, श्रवण कुमार की कथा और रामायण की कथा प्रचलित है। अगले प्रश्न पे आते हैं, मध्य प्रदेश की निम्नलिखित में से किस जनजाति में तीर धनुष कला का विशेष प्रचलन नहीं है? अब ये ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर है नहीं है। हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए पील, ऑप्शन बी कोरबा, ऑप्शन सी कमार, या ऑप्शन डी बंजारा। तो तीर धनुष का प्रचलन कला किस में नहीं पाई जाती है, बंजारा में। बंजारा मुख्य रूप से कौन सी कला के लिए माहिर होते हैं, कंघी कला के लिए, कंघी कला के लिए। बंजारा कहाँ पर निवास करते हैं, तो मध्य प्रदेश का जो पश्चिमी भाग है वहाँ पर ये निवास करते हैं और ये मुख्य रूप से सिख धर्म को अपनाने वाले होते हैं। इनका जो प्रमुख होता है, इनके जो टोले का प्रमुख होता है उसको क्या बोला जाता है, नायक। सरदार को क्या बोला जाता है, नायक। बंजारा कई प्रकार के नृत्य करते हैं जिसमें मछली नृत्य और तलवार नृत्य बहुत प्रसिद्ध नृत्य इनके द्वारा किया जाता है। कमार जनजाति की अगर बात करें तो कमार को कनवार या कमार भी कहा जाता है। कमार जो फौज में सेवा देना प्रमुख कार्य समझते हैं, फौज में सेवा अर्थात सेना में जाना इनका प्रमुख कार्य होता है, मतलब अपना मुख्य लक्ष्य समझते हैं कौन, कमार जाति के लोग। तो तीर धनुष का निर्माण भी करते हैं पील, कोरबा और कमार जाति के लोग, तीर धनुष की कला में माहिर होते हैं। अगला है, भारी भास तथा चिचली का संबंध किस शिल्प से है? हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन है धातु शिल्प,
ऑप्शन बी बर्तन शिल्प, ऑप्शन सी गुड़िया शिल्प या ऑप्शन डी छिपा शिल्प। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए धातु शिल्प। धातु शिल्प से भारी भास ये स्थान है बैतूल में, चिचली आपके छिंदवाड़ा के अंतर्गत आता है, तो यहाँ पर धातु शिल्प के लिए यह स्थान प्रसिद्ध है। तो ऐसे सिंपल सा आ जाए कि भारी भास और चिचली का संबंध किस शिल्प से है, तो आप सीधा क्या लगा देंगे उसमें, धातु शिल्प से। फिर बर्तन शिल्प के लिए आपने उचेहरा का नाम सुना होगा, उचेहरा काफ़ी प्रसिद्ध है। इसके अतिरिक्त टीकमगढ़ का नाम सुना होगा, नरसिंहपुर का नाम सुना होगा, ये सब किसके लिए प्रसिद्ध है, बर्तन शिल्प के लिए। गुड़िया शिल्प के लिए आपने नाम सुना होगा बत्तोबाई का, बत्तोबाई, या फिर रमेश परमार और शांति परमार का, रमेश व शांति परमार, जिन्हें 2023 का क्या दिया गया था, पद्मश्री दिया गया था। ये सब किससे संबंधित है, गुड़िया शिल्पकला से। तो हमारे यहाँ दो गुड़िया शिल्पकला बहुत फेमस है, एक ग्वालियर की गुड़िया, एक झाबुआ की गुड़िया, तो दोनों बहुत फेमस है। छिपा शिल्प, ये आपने इसमें कई सारे शिल्पों का नाम सुना होगा, जैसे बाघ शिल्प, भैरूगढ़ शिल्प, ठीक, ऐसे नाम आपने छिपा शिल्प संबंधित सुना होगा। अगले प्रश्न पे आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य बघेलखंड अंचल का नहीं है। हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए कर्मा नृत्य, ऑप्शन बी शैला नृत्य, ऑप्शन सी कलसा नृत्य या ऑप्शन डी दुलदुल घोड़ी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी दुलदुल घोड़ी। आपको पता है कि यह सहरिया जनजाति द्वारा किया जाता है और विवाह के अवसर पे, विवाह के अवसर पे घोड़े का पोशाक पहनते हैं और ये नृत्य को एक पुरुष के माध्यम, पुरुष प्रधान नृत्य है ये, पुरुषों के द्वारा किया जाता है, विवाह के दौरान आगे रह के इसका नृत्य का संचालन किया जाता है। कर्मा के बारे में आपको पता है कि गोंड जनजाति, भारिया जनजाति, कोरको जनजाति कर्मा नृत्य को करते हैं, बैगा भी करते हैं, सैला जो है बैगा के द्वारा मुख्य रूप से किया जाता है, कलसा नृत्य आपको बघेलखंड में देखने को मिल जाएगा जो विवाह के अवसर पे किया जाता है। अगले प्रश्न पे आते हैं, मध्य प्रदेश का राजकीय लोक नृत्य कौन सा है। हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए राय नृत्य, ऑप्शन बी गड़गौर नृत्य, ऑप्शन सी परधौनी नृत्य या ऑप्शन डी कर्मा नृत्य। तो इसका सभी सही जवाब हो जाएगा आपका राय नृत्य। राय नृत्य हमारा क्या है, लोक नृत्य है, और इसके संबंध में दो तीन व्यक्तियों का नाम आप सुने रहिए, जैसे प्रकाश यादव, श्री प्रकाश यादव, राम सहाय पांडे और ज्ञानेश्वरी देवी, ये कटनी से संबंध रखती हैं। इन लोगों ने राय नृत्य को विशेष तौर पे विशेष पहचान पूरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रदान की थी। आपको पता होगा कि राम सहाय पांडे को 2022 का पद्मश्री भी प्रदान किया गया था इनके नए राय नृत्य के कारण, ये सागर से संबंध रखते हैं। गड़गौर नृत्य आपको कहाँ पर देखने को मिल जाएगा, निमाड़ अंचल पे। परधौने नृत्य मुख्य रूप से बैगा द्वारा किया जाता है और इसमें आपने नाम सुना होगा अर्जुन सिंह धुर्बे का नाम, तो वो किससे संबंधित रखते हैं, संबंध रखते हैं परधौने नृत्य से। कर्मा के बारे में तो आपको पता ही है। अगले प्रश्न पे आते हैं, हमारा अगला प्रश्न है, बुंदेलखंड का वह लोक नृत्य जिसमें हाव भाव एवं पद संचालन शास्त्रीय नृत्य कथक की भांति होता है। हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए ढिमराई, ऑप्शन बी कैमाली नृत्य, ऑप्शन सी नौरता नृत्य, ऑप्शन डी मटकी नृत्य। तो चलिए इसमें ज़्यादा समय व्यर्थ नहीं करते हैं, इसका सही जवाब हो जाएगा ढिमराई नृत्य। ढिमराई नृत्य मुख्य रूप से विवाह के अवसर पे व नवरात्रि के अवसर पे किया जाता है और मुख्य रूप से जब इनका इस नृत्य का संचालन इस प्रकार से किया जाता है जैसे कि कत्थक का संचालन किया जाता है। कत्थक के बारे में आपको बता दूँ कि हमारा क्या है, शास्त्रीय संगीत है। भारत में कुल संस्कृत मंत्रालय ने 9 शास्त्रीय संगीत माने हैं, उसमें कथक भी 9 शास्त्रीय नृत्य माने हैं, नृत्य तो उसमें कथक भी एक शामिल है और एकमात्र नृत्य है जिसका संबंध आपके उत्तर भारत से माना जाता है, नहीं तो कुछ पूर्वोत्तर भारत से होंगे, कुछ दक्षिण भारत से होंगे, एकमात्र नृत्य है जिसमें उत्तर भारत से संबंधित है। और अभी हाल ही में आपने जो खजुराहो नृत्य समारोह सुना होगा, खजुराहो नृत्य समारोह 50वें नंबर का हुआ था अभी फरवरी में, उसमें 1484 कथक नृतंगनाओं ने साथ में मिलकर डांस किया था जो कि एक गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड था। खजुराहो नृत्य समारोह में 1484 नृतंगनाओं ने कथक नृत्य किया था। कथक के संबंध में दो लोगों का नाम बहुत प्रसिद्ध है, एक है बिरजू महाराज
बिरजू महाराज और दूसरे हैं पुरु दधीची, जिन्हें कालिदास सम्मान भी प्रदान किया गया है पुरु दधीची को। अगले प्रश्न पे आते हैं। निमाड़ अंचल में देव प्रबोधिनी एकादशी से लेकर महाशिवरात्रि के अवसर तक किया जाने वाला नृत्य कौन सा है? हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए गड़गौर नृत्य, ऑप्शन बी काठी नृत्य, ऑप्शन सी दुलदुल घोड़ी या ऑप्शन डी डंडा नाच। जल्दी से इसका जवाब दीजिए, जिसका सही जवाब हो जाएगा काठी नृत्य। आपको मैंने इसके बारे में बता भी दिया था कि काठी नृत्य किससे संबंध रखते हैं। पार्वती देवी के उपलक्ष्य में नृत्य किया जाता है और कहाँ पर किया जाता है ये भी आपको मैंने बता दिया था, निमाड़ अंचल में किया जाता है। सहरा नृत्य, ढिमराई नृत्य, मोनिया नृत्य किस क्षेत्र में किए जाते हैं? अभी देखिए, एक प्रश्न पीएससी ने 2023 की प्री परीक्षा में पूछा था कि मोनिया नृत्य जो दिवाली के एक दिन बाद किया जाता है, सागर वाले अंचल में किया जाता है, कौन सा नृत्य होता है, मतलब बुंदेलखंड में कौन सा नृत्य किया जाता है, तो उसमें मोनिया उसका सही उत्तर था, मोनिया नृत्य पूछा गया था। सागर किस क्षेत्र में आता है? तो बुंदेलखंड में, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? बुंदेलखंड। सहरा नृत्य के बारे में आपको पता ही है, ढिमराई नृत्य के बारे में थोड़ी सी चर्चा हमने करी ली थी, कत्थक के रूप में किया जाता है। सहरा नृत्य बुंदेलखंड में होता है। मौनिया नृत्य मौन धारण करके सुबह सुबह उठ के नहाने जाते, स्नान करने जाते हैं, उसी नृत्य करते हुए उसी नृत्य को बोला जाता है, कौन सा नृत्य? मौनिया नृत्य। अगले प्रश्न पे आते हैं। बुंदेलखंड में बधाई नृत्य कब किया जाता है? हमारे ऑप्शन है देवी देवताओं की मनौती के समय, विवाह के अवसर पर, जन्मोत्सव एवं खुशी के अवसर पर, या डी उपरोक्त सभी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा उपरोक्त सभी, क्योंकि हमेशा जो बधाई नृत्य होता है या राई नृत्य होता है वो खुशी के अवसर पर किया जाता है, और खुशी के अवसर यही होते हैं, जब कोई हमारी मन्नत पूरी हो जाए तो हम खुश हो जाते हैं तो नाचने लगते हैं। विवाह के अवसर पे आपने देखा होगा तो आजकल तो हर विवाह में बहुत नाच गाना होता है, तो उस पे जो बुंदेलखंड में देखने को मिलता है वो बधाई नृत्य होता है। जन्मोत्सव एवं खुशी के अवसर पर मुख्य रूप से क्या किया जाता है? ये नृत्य किए जाते हैं। चलिए अब चर्चा को अपनी थोड़ा तेज करते हैं, क्योंकि प्रश्न फिर हम कवर नहीं कर पाएंगे। निमाड़ क्षेत्र में मृत्यु गीतों को क्या कहा जाता है? निर्गुड़िया गायन शैली, गवलन गायन शैली, मसानिया अथवा काया खोज, या कलगी तुर्रा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा मसानिया अथवा काया खोज। जो शरीर में आत्मा की अमरता के लिए पुरुषों के द्वारा गाया जाता है, ये ध्यान रखिएगा, ये महिलाएं इसमें शामिल नहीं होती हैं, पुरुषों के द्वारा गाया जाने वाला गीत है कौन सा? मसानिया या काया खोज। इसी प्रकार एक और सॉन्ग होता है घोटुल पाटा। घोटुल पाटा गोंड और मुड़िया के द्वारा गाया जाता है, उसमें राजा जोलोंग साई की कथा सुनाई जाती है। निर्गुड़िया गायन शैली आपके निमाड़ अंचल में देखने को मिलती है। गवलन गायन शैली अब गरबा गरबी जो गायन होता है, गरबा गरबी जो गायन होता है उस दौरान देखने को मिलती है गवलन गायन शैली। कलगीतुर्रा भी निमाड़ अंचल में देखने को मिलता है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा लोक गायन मालवा क्षेत्र से संबंधित है? आल्हा गायन, बसदेवा गायन, गरबा गरबी, या संजा गीत। तो इसका सही जवाब हो जाएगा संजा गीत, जो किशोरियों के माध्यम से संजा पर्व के दौरान जो पितृपक्ष होता है, पितृपक्ष उस दौरान मालवा में एक त्यौहार मनाया जाता है संजा पर्व, और उसी के दौरान यह गीत गाया जाता है और किशोरियों के माध्यम से गाया जाता है। आल्हा गायन बुंदेलखंड में, बसदेवा गायन आपके बघेलखंड में होता है, और गरबा गरबी आपके निमाड़ में देखने को मिलता है। अगला प्रश्न है, मालवा क्षेत्र में हिड़ गायन की प्रथा किस माह में आयोजित होती है? हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए श्रावण माह, ऑप्शन बी फाल्गुन माह, ऑप्शन सी भाद्रपद माह, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए श्रावण माह। देखिए, ये जो हिड़ गायन है ये ग्यारस माता और आपको मैंने बताया कि कृष्ण परंपरा के लिए गाया जाता है। श्रावण माह के अतिरिक्त ये कृष्ण जन्माष्टमी, रामनवमी और विभिन्न खुशियों के अवसर पे ये गाना गाया जाता है। अगले प्रश्न पे आते हैं, कर्मा नृत्य मध्य प्रदेश में किस अंचल में किया जाता है? हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए मंडला क्षेत्र, ऑप्शन बी खरगोन क्षेत्र, ऑप्शन सी बघेलखंड, या ऑप्शन डी अलीराजपुर। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए मंडला क्षेत्र। कर्म नृत्य कर्म देवता को प्रसन्न करने के लिए किया जाता है, और एक गांव से दूसरे गांव तक ये नृत्य बार बार जाके किया जाता है, और सर्कल बना के किया जाता है, ये भी ध्यान रखिएगा, सर्कल बना के इस नृत्य का आयोजन किया जाता है। अगला प्रश्न है, सैला नृत्य बघेलखंड अंचल में किस जनजाति द्वारा किया जाता है? हमारे ऑप्शन है,
ऑप्शन ए भील, ऑप्शन बी गोंड, ऑप्शन सी बैगा या ऑप्शन डी कोरकू। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी बैगा। और सैला के अतिरिक्त आपने नाम सुना होगा रीना, सुआ और परधोनी। रीना, सुआ, परधोनी नृत्य भी बैगा जनजाति द्वारा किया जाता है। अगले प्रश्न पे आते हैं, बुंदेलखंड क्षेत्र में धोबी जाति द्वारा वैवाहिक अवसरों पर किया जाने वाला नृत्य कौन सा है? हमारा ऑप्शन है बधाई नृत्य, ऑप्शन बी कानड़ा नृत्य, ऑप्शन सी ढिमराया नृत्य, ढिमराई नृत्य या फिर ऑप्शन डी सहरा नृत्य। इसमें पूछा है धोबी जाति द्वारा कौन सा नृत्य किया जाता है जो खुशी और विवाह के अवसर पर आयोजित होता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका कानड़ा नृत्य। अगले प्रश्न पे आते हैं, निम्नलिखित मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र में नवरात्रि के अवसर पर कुंवारी कन्याओं द्वारा सुयोग्य वर की प्रार्थना हेतु कौन सा नृत्य किया जाता है? हमारे ऑप्शन है बरेदी नृत्य, ऑप्शन बी मौनिया नृत्य, ऑप्शन सी नौरता नृत्य या ऑप्शन डी चीकट नृत्य। इसका सही जवाब हो जाएगा नौरता नृत्य। जिस प्रकार एक पर्व मनाया जाता है सुआटा पर्व, उसी प्रकार से नौरता नृत्य भी मनाया जाता है बुंदेलखंड में, जिसमें सुआटा की राक्षस की आकृति बनाई जाती है और कुमारी कन्याओं द्वारा उसका बाद में उसमें पूजन पाठ होता है और सुयोग्य वर की मांग के लिए व्रत रखा जाता है, गीत गाए जाते हैं, उसी को बोला जाता है क्या नौरता नृत्य और नौरता पर्व। कहाँ पर देखने को मिलता है? बुंदेलखंड क्षेत्र पे। बरेदी नृत्य और मौनिया नृत्य को एक ही बोलते हैं, ग्वाल जातियों द्वारा किया जाता है। चीकट नृत्य भी बुंदेलखंड क्षेत्र में होता है जो विवाह के अवसर पर स्त्रियों के माध्यम से, स्त्री परख है चीकट नृत्य। अगले प्रश्न पे आते हैं, मध्य प्रदेश के बघेलखंड में साजन सजनाई नृत्य विवाह के अवसर पर किया जाता है जिसे अन्य किस नाम से जाना जाते हैं? हमारे ऑप्शन है ऑप्शन ए कैमाली नृत्य, ऑप्शन बी सैला नृत्य, ऑप्शन सी दादर नृत्य या ऑप्शन डी राई नृत्य। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए कैमाली नृत्य। ये संवाद शैली पे स्त्री पुरुष के द्वारा किया जाता है, संवाद शैली पे। कहाँ पर किया जाता है? बघेलखंड में। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश के निमाड़ क्षेत्र में गड़गौर नृत्य किस माह में किया जाता है? आषाढ़ माह में, बी चैत्र माह में, सी कुमार माह में या डी पौष माह में। तो इसका सही जवाब होगा चैत्र माह। गड़गौर नृत्य की बात करें तो इसकी दो शैलियाँ होती हैं, एक बोलते हैं एक को झोला और दूसरे को बोलते हैं झालरिया। झोला और झालरिया अगर पूछ ले किससे संबंध रखती हैं, किस नृत्य शैली संबंध रखते हैं, तो गड़गौर नृत्य से संबंध रखते हैं। किस माह में किया जाता है? चैत्र माह में किया जाता है। अगला है, मध्य प्रदेश के निमाड़ क्षेत्र में काठी नृत्य जो देवी पार्वती की उपासना के उपलक्ष्य में किया जाता है, इसमें काठी माता की उपासना करने वाले को क्या कहा जाता है? हमारे ऑप्शन है खोरदार, ऑप्शन बी भगत, ऑप्शन सी मंडोला या ऑप्शन डी रजुल्ला। तो इसका सही जवाब होगा रजुल्ला। ये रटने वाली चीज़ है, सीधा सा रट लीजिए, कठिन से कठिन प्रश्न था। तो पूछ लिया गया है कि जो काठी नृत्य होता है उसमें एक व्यक्ति ऐसा होता है जो उपवास करके नृत्य करता है, मुख्य रूप से नेतृत्वकर्ता की भूमिका निभाता है, वो कौन सा होता है? तो वह होता है राजुल्ला। फिफरिया परंपरा समूह नाच फिफरिया वाद्य यंत्र का प्रयोग कर किया जाता है या मध्य प्रदेश से किस अंचल में किया जाता है? तो फिफरिया कहाँ पर किया जाता है? निमाड़ में किया जाता है। इस नृत्य का नाम फिफरिया इसलिए नाम पड़ा क्योंकि फिफरिया वाद्य यंत्र का प्रयोग होता है। फिफरिया वाद्य यंत्र हाथों से बजाया जाने वाला एक यंत्र है। अगला है, रास रावला राच बछाया बधाया नृत्य किस क्षेत्र से संबंधित है? हमारे ऑप्शन है ऑप्शन ए बुंदेलखंड, ऑप्शन बी निमाड़, ऑप्शन सी बघेलखंड या ऑप्शन डी मालवा। तो जो व्यक्ति से संबंधित विभिन्न संस्कार होते हैं, चाहे जन्म उत्सव हो या संस्कार परंपरा हो या विवाह का उत्सव हो, उस टाइम पे ये नृत्य किए जाते हैं। कहाँ पर किए जाते हैं? बुंदेलखंड में, मुख्य रूप से स्त्रियों के द्वारा किए जाते हैं। स्त्रियों के द्वारा मुख्य रूप से नृत्य किए जाते हैं। कहाँ पर किए जाते हैं? बुंदेलखंड में। अगला प्रश्न है, अहिराई नृत्य दादर दोगरा नृत्य में से किस अंचल में किया जाता है? निम्न में से किस अंचल में किया जाता है? हमारे ऑप्शन है पश्चिमी निमाड़, ऑप्शन बी पूर्वी निमाड़, ऑप्शन सी बघेलखंड या ऑप्शन डी मालवा। तो अगर थोड़ा सा भी नृत्य दिमाग लगाएंगे तो आपको पता चल जाएगा ये नृत्य कहाँ पर किया जाता है, बघेलखंड में। इसी को बोला जाता है बिरहा नृत्य। बिरहा नृत्य भी किसे कहा जाता है?
अहिराय नृत्य को कहा जाता है। दादर नृत्य मुख्य रूप से कोल जनजाति द्वारा किया जाता है। दोगरा नृत्य भी आपके बघेलखंड में देखने को मिलता है, जो विवाह के अवसर पर किया जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य बुंदेलखंड अंचल में किया जाता है? हमारे ऑप्शन है ढिमराइया, ऑप्शन बी दादर नृत्य, ऑप्शन सी झाला या ऑप्शन डी मांडल्या। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ढिमराइया, ढिमराइया। तो ढिमराई के बारे में मैंने क्या बताया कि आपके कथक शैली पे किया जाता है, और जो नवरात्रि होती है और विवाह का पर्व होता है उस दौरान किया जाता है। दादर नृत्य बघेलखंड में होता है, झाला नृत्य आपके मालवा में देखने को मिलता है। झाला की अगर बात करें तो जो मटकी नृत्य होता है उसी का सूक्ष्म रूप झाला कहलाता है। जब एक महिला, एक नर्तकी नर्तकी नृत्य करेगी, कौन सा मटकी नृत्य, तो वो झाला कहलाएगा। कहाँ पर, किस अंचल में देखने को मिलता है? मालवा अंचल में। मांडल्या की अगर बात करें तो मांडल्या आपके निमाड़ अंचल का प्रमुख नृत्य है, निमाड़ अंचल का नृत्य है। अगला है, काठी नृत्य किस अंचल से संबंधित है? हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए निमाड़, ऑप्शन बी बुंदेलखंड, ऑप्शन सी बघेलखंड या ऑप्शन डी मालवा। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए निमाड़। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित नृत्यों व उनसे संबंधित अंचलों का सही सुमेलित कीजिए। तो जल्दी से इसका करने का प्रयास कीजिए। हमारे ऑप्शन है गड़गौर नृत्य, मटकी नृत्य, कलसा, नौरता। ये किस अंचल में होते हैं? तो गड़गौर नृत्य आपको पता है कहाँ पर होता है? निमाड़ में। तो मिला दीजिए निमाड़ में, निमाड़ अंचल। मटकी नृत्य कहाँ होता है? मटकी नृत्य होता है मालवा में। कलसा कहाँ होता है? बघेलखंड में। और नौरता कहाँ होता है? बुंदेलखंड में। तो 2-1-4-3, 2-1-4-3। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन एक। अगले प्रश्न पे आते हैं, बुंदेलखंड अंचल में जन्म, मुंडन संस्कार, सगाई, विवाह या मनौती पूरी होने पर किया जाने वाला नृत्य कौन सा है? राई नृत्य, राई लोक नृत्य, सैला नृत्य, रजवाड़ी नृत्य या मटकी नृत्य। जल्दी से बताइए। जल्दी से कमेंट कीजिए क्या होगा इसका उत्तर। इसका सही जवाब हो जाएगा क्या? आपका राई नृत्य। राई हमारा मध्य प्रदेश का लोक नृत्य भी है। और बुंदेलखंड में और कौन से नृत्य होते हैं? सैला नृत्य होता है जो मुख्य रूप से आपके बैगा जनजाति द्वारा किया जाता है। और आपके जो निमा वो मालवा अंचल है वहाँ पर रजवाड़ी नृत्य, आड़ा खड़ा और रजवाड़ी नृत्य काफ़ी प्रसिद्ध है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? राई नृत्य। अगले प्रश्न है, निम्नलिखित नृत्यों को उनके क्षेत्र के साथ सही सुमेलित कीजिए। एक साइड लोक नृत्य लिखा है, दूसरे साइड क्षेत्र या जनजाति। तो भगोरिया, मटकी, सुआ, लहंगी। दूसरी ओर है मालवा क्षेत्र, भील जनजाति, कंजर और बंजारो और गोंड जनजाति। भगोरिया की अगर बात करें, भगोरिया नृत्य कौन सी जनजाति करती है? तो भील जनजाति करती है। मटकी नृत्य किस क्षेत्र में देखने को मिलता है? तो मालवा अंचल में देखने को मिलता है। सुआ आपकी गोंड जनजाति करेगी, और लहंगी नृत्य करेगी कंजर और बंजारों। तब इसी के अनुसार मिला लेते हैं, 2-1-4-3, 2-1-4-3, ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन कंवर जनजाति का प्रमुख नृत्य है? हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए लहंगी नृत्य, ऑप्शन बी उरेदी नृत्य, ऑप्शन सी बार नृत्य या ऑप्शन डी कांडरा नृत्य। तो इसका सही जवाब हो जाएगा बार नृत्य। कंवर जनजाति के बारे में आपको बताया था, इसको कंवार भी कहा जाता है और सेना में काम करना ही अपना प्राथमिक कर्तव्य समझते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य बुंदेलखंड का नहीं है? हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए राई नृत्य, ऑप्शन बी बधाई नृत्य, ऑप्शन सी कैमाली नृत्य या ऑप्शन डी सहरा नृत्य। इसका सही जवाब हो जाएगा कैमाली नृत्य। कैमाली नृत्य कहाँ पर होता है? बघेलखंड। और इसको साजन सजनी नृत्य भी बोलते हैं, साजन सजनाई बोलते हैं, सजनी साजन सजनाई नृत्य भी कहा जाता है कैमाली नृत्य को। विवाह के अवसर पर किया जाता है, संवाद शैली पे, स्त्री पुरुष के माध्यम से। अगला है, ग्वाला जात से संबंधित नृत्य है? भगोरिया नृत्य, बर्दी नृत्य, बरेदी नृत्य बोलते हैं इसको, बधाई नृत्य या बलमा नृत्य। तो इसका सही जवाब हो जाएगा बरेदी नृत्य या मौनिया नृत्य। इसी को देवारी नृत्य भी कहा जाता है, ग्वाला जाति द्वारा किया जाता है और मुख्य रूप से किस पे आधारित होता है? भगवान कृष्ण और राधा की प्रेम प्रसंगों के नृत्य पर आधारित होता है। अगला है, राई नृत्य से संबंधित तथ्यों पर विचार कीजिए।
यह मध्य प्रदेश का राजकीय नृत्य है। बुंदेलखंड में यह मृदंग वाद्य यंत्र के साथ किया जाता है। बघेलखंड में यह ढोलक वाद्य यंत्र के साथ किया जाता है और प्रतिवर्ष राय नृत्य बुंदेली मेला में किया जाता है। सही कूट का चयन कीजिए। तो आपको पता ही है कि राय नृत्य हमेशा शुभ अवसरों पर किया जाता है। आपको यह भी पता है कि यह मध्य प्रदेश का राजकीय नृत्य है। अब बुंदेलखंड में इसमें मृदंग वाद्य यंत्र का प्रयोग करते हैं। मृदंग वाद्य यंत्र का ही एक परिवर्तित रूप होता है क्या, ढोलक। और ये कहाँ पर प्रयोग होता है, बघेलखंड में। ऑब्वियस सी बात है, जब बुंदेलखंड में हो रहा है तो बुंदेलखंड में जब मेला आयोजित होगा तो वहाँ पर भी इसका आयोजन किया जाएगा, क्योंकि मेला किसका प्रतीक है, खुशी का प्रतीक है। तो मेले में भी इसका आयोजन किया जाता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा उपरोक्त सभी, है ना। आगे चलते हैं, गौर नृत्य किस जनजाति के द्वारा किया जाता है। हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए मुड़िया जनजाति, ऑप्शन बी गौंड जनजाति, ऑप्शन सी सहरिया जनजाति, ऑप्शन डी भील जनजाति। तो इसका सही जवाब हो जाएगा मुड़िया जनजाति। तो छेरता नृत्य, छेरता और गौर, यह नृत्य किया जाता है। माफ कीजिएगा, छेरता नहीं, छाहुर नृत्य, छाहुर, ऐसे नाम भी होते हैं ना इनके, छाहुर नृत्य और गौर नृत्य मुड़िया जनजाति द्वारा किया जाता है। गौंड जनजाति के द्वारा आपको पता ही है कि कर्मा मुख्य रूप से किया जाता है, सैला भी किया जाता है और दीवानी भी किया जाता है। सहरिया के द्वारा आपका दुलदुल घोड़ी किया जाता है और लहंगी नृत्य किया जाता है, इंद्रपरी नृत्य किया जाता है। भील जनजाति द्वारा भगोरिया नृत्य किया जाता है। अगला प्रश्न है, भील जनजाति का हाथी मना नृत्य किस वर्ग के द्वारा किया जाता है। हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए महिला वर्ग, ऑप्शन बी पुरुष वर्ग, ऑप्शन सी सामूहिक वर्ग या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी पुरुष वर्ग। भील जनजाति विवाह के अवसर पर हाथी मना जो नृत्य है उसको करते हैं। इसमें होता क्या है कि व्यक्ति घुटने के बल पे बैठ के, घुटने के बल बैठ के पुरुष के द्वारा यह नृत्य बारात के आगमन पर किया जाता है। यह हमारा आज का आखिरी प्रश्न है, मध्य प्रदेश में शिल्प कला के रूप में साड़ी निर्माण का प्रमुख प्रसिद्ध केंद्र है। हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए महेश्वर, ऑप्शन बी चंदेरी, ऑप्शन सी महेश्वर एवं चंदेरी दोनों है या डी खजुराहो। जिसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी महेश्वर एवं चंदेरी दोनों। आपको पता है कि महेश्वर की साड़ियाँ और चंदेरी की साड़ियाँ विश्व प्रसिद्ध है और इनको GI टैग प्रदान किया गया है। महेश्वर को प्रदान किया गया था 2012-13 में और चंदेरी को 2005-06 में। खजुराहो यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल। दोस्तों, ये हमारी आज की पूरी चर्चा थी। इसके अतिरिक्त भी और विभिन्न पहलुओं पर प्रश्न बन सकते हैं जब हम इस पर लाइव चर्चा करेंगे प्रश्नों पर, तो हम उन समस्त बिंदुओं पर भी आपसे चर्चा करेंगे। आप लोग अपनी पढ़ाई जारी रखिए और आपसे मुलाकात करते हैं आपके नए सब्जेक्ट के साथ।